देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और कोर्ट सभी तथ्यों को देखने के बाद किसी फैसले तक पहुंचता है। जिस पार्टी की नींव रखी गई भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस पार्टी के मुखिया को भी आज सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। और हद तो तब हो गई जब राजनीतिक शुचिता को ताक पर रख दिया, अब तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कैसा संदेश इस देश में जा रहा है कि एक सिटिंग सीएम को सलाखों के पीछे से सरकार चलानी पड़ रही है। जीतन मांझी ने एक आशंका भी, मैंने उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी हो सकती थी 2 महीना 3 महीना पहले, पुल क्यों नहीं गिरता था? देखिए, उन्होंने अपनी बातों को कहा है, अपने आशय को वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हमारी जो समझ है उसके हिसाब से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार की बागडोर संभाली है, तब से आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। बिहार के स्वरूप को किस तरह बदला है, इसके गवाह हम सभी लोग हैं। पुल पुलियों का निर्माण हो, सड़कों का जाल हो, सब आपके सामने है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ पुल गिर जाते हैं। पूरी जांच चल रही है, तफ्तीश चल रही है, एजेंसियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। डिपार्टमेंटल लोगों की जहां चूक है उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। ये राजकोट में भी एक एयरपोर्ट पर हादसा हो गया है, इसको बीजेपी कह रही है कि नेहरू नॉट टू ब्लेम, उन्होंने ज़्यादा एयरपोर्ट बनाया ही नहीं था, तो कैसे होता है? देखिए, कहीं हादसा होता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है और सघन जांच होनी चाहिए कि किन कारणों से यह हुआ है, किसकी लापरवाही से यह हुआ है, कौन जवाबदेह है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब पॉलिटिकल एंगल सेट करने लगते हैं कांग्रेस के साथी, तब और दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि भाई आप सड़कें ही मत बनाइए, कि सड़कें टूटेंगी ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई, आपको निर्माण कार्य तो करना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी ने आज जजेस को ये बताया कि पहले आप इंश्योर कीजिए कि पॉलिटिकल बायस होकर काम नहीं कीजिएगा। ममता जी को या विपक्ष के इंडी के जो लोग हैं उनको किसी भी स्वायत्त संस्था पर, न्यायालय पर भरोसा नहीं रह गया है। ये सोचते हैं कि अगर इनके पक्ष में फैसला हो, भले ये भ्रष्टाचार करें, अनैतिक कामों में संलिप्त रहें, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इन पर कार्रवाई होगी तो संस्थाएं बायस्ड है, न्यायालय बायस्ड है, ऐसा नहीं होता है। अपने आचरण को बदलिए, जनता इस आचरण को पसंद नहीं करती है। नीतीश कुमार ने फिर से स्पेशल स्टेटस की मांग को रिपीट किया है दिल्ली में ये तो बैठक चरणबद्ध तरीके से इस मांग को हमारी पार्टी, हमारे नेता ने समय समय पर उठाया है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। जब हम विपक्ष में होते हैं तब विरोध के माध्यम से, आग्रह के माध्यम से हमने कहा है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को आगे ले जाने के लिए बिहार को बिहार का हक मिलना ही चाहिए। जवाब तो राजद के साथियों को देना चाहिए कि 2004 में उनके 22 सांसद बिहार से थे और 2 सांसद झारखंड से थे, यानी कुल मिलाकर 24 सांसद थे, उसमें 8 लोग केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल थे, तब बिहार के हक की बात क्यों नहीं की? और आज कहते हैं कि नीतीश जी के 12 MP हैं तो नीतीश जी इस मांग को उठाएंगे। हम तो साधुवाद देना चाहते हैं राजद के लोगों को, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनको भी नीतीश जी पर ही भरोसा है, नीतीश जी से ही उम्मीदें हैं।